नहीं यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे उसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसीलिए तो मैंने उसको थप्पड़ मारा। मेरी गलती नहीं है, टमाटर सड़े हुए टमाटर भैया खरीद के लेकर आया था, जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ गई। मैंने तो उसे मना किया था। अरे तो क्या हो गया अगर मैं लेट हो गई? मम्मी खाने के लिए मुझे बैठा दी थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। क्या आप कैसे दिख रहे हैं? आप भी ये सारी चीज़ें करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? जी हाँ, इसे ब्लेम गेम कहा जाता है, जो कि किसी और की गलती ना होने पे भी उसे ब्लेम करना, उसे कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, इंग्लिश में इससे रिलेटेड एक सही टर्म भी है, और वो टर्म क्या है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी, और उसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है कि हम ये ब्लेम गेम खेलते क्यों हैं। तो वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ अंकिता प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हर रोज़ करा ही करते हैं, किसी और पर किसी की गलती ना होने पर भी उस पर ब्लेम डाल देना, यानी कि ब्लेम गेम। पर इसका जो स्पेसिफिक टर्म होता है इंग्लिश में वो क्या होता है, आइए जानते हैं। जी हाँ, तो वो जो टर्म है वो कहलाता है स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग का जो रूट वर्ड है वो है स्केपगोट, और स्केपगोट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ पनिश्ड और अक्यूज्ड ऑफ समथिंग ही हैज़ डन, ही हैज़ नॉट डन। अ पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड और पनिश्ड फॉर समथिंग ही हैज़ नॉट डन इज़ कॉल्ड अ स्केपगोट। स्केपगोट वो पर्सन है जिसे एक सज़ा मिल जाती है, या उसे एक्यूज़ किया जाता है, यानी कि उसे ब्लेम किया जाता है फॉर समथिंग ही हैज़ नॉट डन, जो उसने नहीं किया है उसके लिए उसे ब्लेम किया जाता है या उसे पनिश किया जाता है, वो कहलाता है स्केपगोट। मतलब वो उस सारे चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है जो उसने किया ही नहीं। यानी कि जब हम किसी की बात करें कि वो एक पर्सन है, वो एक स्केपगोट है, यानी कि वो पर्सन वो है जिसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है जो उसने किया ही नहीं है, उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जैसे कि राम इज़ अ स्केपगोट फॉर द सिंस ऑफ रवि। रवि ने जो गलत काम किए उसका भार लेने वाला जो इंसान है वो है राम, और इसलिए राम जो है वो एक स्केपगोट है। तो स्केपगोट यानी कि वो पर्सन जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, एक भार ले लेता है उन चीज़ों का, उन गलतियों का जो उसने किए ही नहीं। तो उसी से आता है स्केपगोटिंग, यानी कि द आर्ट ऑफ पनिशिंग और अक्यूजिंग अ पर्सन और अ ग्रुप फॉर समथिंग दैट हैज़ वेंट रॉन्ग। कुछ गलत हो गया है जिसकी वजह से हम किसी और के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर या किसी कम्युनिटी या ग्रुप के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं या भार डाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि आपकी वजह से ये गलत हो गया। तो ये जो आर्ट है, ये जो एक्ट है ऑफ पनिशिंग और एक्यूजिंग समवन एल्स, किसी और को सुनाना, बेइज्जत करना या उन्हें एक्यूज़ करना, ये जो है वो कहलाता है स्केपगोटिंग, यानी कि उनकी गलती ना होने पर भी उन पर भार डालना, उन्हें एक्यूज़ करना, उन्हें यहाँ तक कि पनिश भी करना, ये कहलाता है स्केपगोटिंग। तो क्या आप जानते हैं कि हम हर रोज़ कैसे इस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं, स्केपगोटिंग करते हैं? जी हाँ, सुनने में कितना हार्मलेस लगता है कि हम अपनी गलती का जनाजा किसी और पर फोड़ दें, पर क्या ये सही है? पर अगर सही नहीं भी है तो हम ये करते हैं, ये हम सबको पता है कि हम करते हैं, कि हम अपने आप को बचाने के लिए, कई बार अपने आप को बेइज्जत ना होने के लिए किसी और की बेइज्जती कर देते हैं या उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि हाँ मैं लेट हो गई क्योंकि मम्मी लेट की। मेरी गलती नहीं है कि मैं फेल हो गया, मैंने आपने एक रात पहले मुझे डांटा था इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, है ना? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझसे लड़ाई की। इन सब चीज़ों का मकसद ये बस ये है कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, पर हम किससे बचाना चाहते हैं? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाना चाहते हैं, वो भार से बचाना चाहते हैं, उस कॉन्सिक्वेंस से बचाना चाहते हैं जो उस प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर हुआ है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, हम अपने ऊपर चार्ज लेना नहीं चाहते, और यही है इसके पीछे की साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा था कि स्केपगोटिंग हम सब करते हैं किसी और पर अपने गलतियों का जनाजा फोड़ कर, पर क्या है उसके पीछे की साइकोलॉजी? उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि वी डू नॉट टेक चार्ज ऑफ आर लाइफ। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है हमें लगता है कि वो हमारे साथ हो रही है, हम उन्हें नहीं कर रहे, बट द रियलिटी इज़ लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू अस, वी आर मेकिंग लाइफ हैपन। यस, वी आर द वंस हु आर क्रिएटिंग आर लाइफ ईच डे ईच सेकेंड। तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी। जिस दिन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से ये स्केपगोटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे करें? टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ
कह दिया कि हाँ अपने हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने लाइफ के बारे में, पर क्या करते हैं उसके लिए, क्या करना पड़ता है टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ? यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हैंड्स। जी हाँ, आज से, अभी से अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात को बसा लीजिए कि आपके साथ जो भी होता है वो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। जिस दिन से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि सब कुछ जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है या आपके हाथ में है, तो आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। हम क्यों डिप्रेशन में बैठे रहते हैं, हम क्यों फ्रस्ट्रेशन में बैठे रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। बट इन एनी मोमेंट, इन एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, हर वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में होती है कि हम कैसे बिहेव करें। सिचुएशन कुछ भी हो, रिएक्शन हमारे हाथ में होता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आज के बाद जब आपकी लाइफ में सब कुछ बिगड़े, ये सब कुछ आपके अगेंस्ट है, तो आप अपने आप से कहिए कि क्या ये मेरे साथ हो रहा है या ये मैं अपने साथ होने दे रहा हूँ। आपको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसको बदल सकते हैं तो उठिए और बदलिए, और अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं बदल सकते तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ इज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिचुएशन दैट हैपेंस इन योर लाइफ, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। गुस्सा आया क्योंकि मुझे गुस्सा आया, उसकी वजह से, उसने ये किया, उसने डांटा, उसने बोला, ये नहीं, ये ब्लेम गेम नहीं, ये स्केप गोटिंग नहीं। मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरा मूड ख़राब है, मुझे ये सारी चीज़ें ट्रिगर की। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हैंड। जब आप ये कहोगे कि मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरा मूड ख़राब था या मुझे ये सारी चीज़ें याद आ गई पास्ट की, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले रहे हो। और जब आप ये कहते हो कि मुझे मेरी वजह से गुस्सा आया, तो क्या होता है जानते हैं? इसके साथ ये होता है कि जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली है, यानी कि आप अपने मूड को चेंज करने की पावर अपने हाथ में रखते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि आपको गुस्सा आया क्योंकि आपको गुस्सा आया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में है कि आप अपने मूड को ठीक करें, क्योंकि आप ठीक करना चाहते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ टेकिंग चार्ज इन योर हैंड्स। तो कैसे ले चार्ज अपने हाथ में? कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपकी हेल्प हो जाए तो मेरा भी कुछ काम हो जाएगा। जी हाँ, मेरा काम ये हो जाएगा कि मैं भी कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आऊँगी, और साथ ही साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, बताती हूँ आपको हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अगर आपके साथ ये काम करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर वन, मेक अ चॉइस। हाँ, बी डिसिजिव। आज से डिसाइड कर लो कि आज से मैं अपनी लाइफ का बॉस हूँ। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं ये स्केप गोटिंग नहीं करूँगा, मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊँगा अपनी लाइफ के लिए। टेक द चार्ज, मेक दिस चॉइस, दिस कॉन्शियस एफर्ट कि आज से ये लाइफ मेरी है, और इसमें जो भी होगा ना वो सब मेरी वजह से हो रहा है। चाहे अच्छा हो रहा है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुरा हो रहा है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन ये डिसीजन अपने हाथ में ले लिया ना, उस दिन सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। समझ में आया? सो नंबर वन इज मेक द चॉइस, यानी कि उस चॉइस को, उस कॉन्शियस चॉइस को बनाओ, लो उस चॉइस को कि मेरे हाथ में सारी पावर है, आई एम द बॉस ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन चेंज माई मूड, माई वर्क, माई एक्शंस, एनी वे लाइक आई वॉन्ट। Take that choice. Make that choice. Number two is be the authority. जैसे कि मैंने कहा, be the authority. Take the charge in your hands. Be the authority. लोगों की बातें सुनना, उनसे inspiration लेना, उनसे advice लेना सही है, लेकिन उन पर dependent होना गलत। सबकी सुनो पर करो अपने दिल की। जी हाँ, be the authority of your life. हर चीज़ का authority आपके हाथ में होना चाहिए। ये नहीं कह रही कि किसी से मदद मत लो, ये नहीं कह रही कि किसी से एडवाइस मत लो, बट उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो। एट द एंड वही करो जो आपको करना है, आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, जो आपको सही लगता है। क्योंकि जब आप किसी और का सुनकर करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर वो काम नहीं किया तो आप उन्हें ब्लेम करेंगे। पर जब आप सबका सुनते हैं और उसके बाद वही करते हैं जो आपको करने का मन हो, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे, आप अपने आप को ब्लेम करेंगे। और ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले रखी है, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे, आप अपने आप को ब्लेम करेंगे। और इससे क्या होगा पता है, कि आपको खुद को पता चलेगा कि आपने पिछली बार ये गलती की थी, तो अगली बार आप वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने आप से ही एक्सपीरियंस मिलेगा।
और आप जब किसी और के बारे में सुन के काम करेंगे तो आप ऑब्वियसली, अरे उसकी वो शर्मा है ना, उसकी वजह से मेरा ये काम बिगड़ गया। तो किसने बोला था शर्मा के सुनने के लिए? बी द अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ, डोंट गिव द अथॉरिटी टू अदर पीपल, डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, डोंट लेट अदर्स ओपिनियन रून योर लाइफ और कंट्रोल योर लाइफ, टेक द चार्ज इन योर हैंड गाइस। ओके, नंबर 3 इज टेक एक्शन। जी हाँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। ये लाइफ है, लाइफ को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है और इस लाइफ में हम एक्शन लेने से बचना चाहते हैं। बहुत बार देखोगे ना कि आराम से पड़े रहने में बड़ा मज़ा आता है, कुछ ना करने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों को ब्लेम करने में बड़ा मज़ा आता है। ये सारी नेगेटिव चीज़ें ना हमें एक अलग तरह का प्लेजर देती है, पर ये क्या ये प्लेजर थोड़ा सा भी प्रोडक्टिव है? नहीं, इससे कुछ नहीं मिलता। तो क्या करें? एक्शन लेते हैं ना, सिर्फ सोचने से, किसी और को ब्लेम करने से, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उस फलाना उस ठिकाना की वजह से ये हो गया, ये सब करने से लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं होना है बस। तो वो करो जिससे कुछ होता है, यानी कि एक्शन लो, कुछ काम करो। अगर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो किसी और को ब्लेम करने से अच्छा ये करो कि आप कुछ काम कर लो, उससे बाहर निकलने के रास्ते निकालो, है ना। अंधेरे को गाली देने से कुछ नहीं होता है, उससे अच्छा है कि एक दिया जला लो। तो वही काम आपको करना है, किसी और को ब्लेम करके, सिचुएशन को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलता। एक्शन लो, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। नंबर 4 इज बी योर ओन चेयर लीडर। जी हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि दूसरों को नीचा गिराते गिराते, दूसरों को ब्लेम करते करते हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि दूसरों को ब्लेम करना ज़्यादा आसान है, किसी को चेयर लीड करना, दूसरों को चेयर लीड करना शायद ज़्यादा मुश्किल होगा, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है अपने आप को चेयर लीड करना। तो मैं तो कहूँगी कि किसी और के वैलिडेशन का वेट करने से अच्छा है, किसी और से मोटिवेशन पाने से अच्छा है, किसी और का सपोर्ट पाने से अच्छा है अपने आप को सपोर्ट करो, अपने आप को, अपने आप के चीयर लीडर बनो, अपने आप को सपोर्ट करो। उनके लिए यू कैन डू दिस, आई एम विथ यू, टेक दिस चार्ज, मैं तेरे साथ हूँ। अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, कौन सपोर्ट करेगा? कोई नहीं, तुम्हें खुद को सपोर्ट करना होगा। और इसीलिए कहा जाता है बी योर ओन चीयर लीडर। नंबर 5 इज लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट में जो भी हुआ भाई साहब, जो भी हुआ, अच्छा था, बुरा था, गंदा था, बहुत गंदा था, बहुत अच्छा था, बहुत बुरा था, सब कुछ जाने दो। पास्ट की वजह से, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में फेल किया था, पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था, सब जाने दो। ब्लेम गेम कहाँ से शुरू होता है पता है? पास्ट से। पास्ट के एक्सपीरियंसेस याद आते हैं जिसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट भी रून कर देते हैं भाई साहब। तो उसे रून नहीं करना है, पास्ट जा चुका है। स्टॉप ब्लेमिंग द पास्ट, स्टॉप ब्लेमिंग एनीवन, लेट गो ऑफ द पास्ट। वो सब जो होना था वो हो चुका, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द चार्ज इन द प्रेजेंट। जी हाँ, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 6 इज स्टार्ट टुडे। कल से करेंगे, परसों से करेंगे, वो जगराता करके करेंगे, माता रानी का हवन करके करेंगे, नहीं, आज से शुरू करो। टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ राइट नाउ, आज से, अभी से, इसी वक्त से। एवरीथिंग स्टार्ट्स टुडे इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। जब आप डिसाइड कर लो सब कुछ हो जाएगा। तो इतना हड़बड़ा के इतनी सारी बातें मैंने इतनी जल्दी जल्दी वीडियो में बोली है, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू। ओके, सो आई एंड दिस वीडियो विद दिस ब्यूटिफुल कोट, वी आर हु वी चूज टू बिकम एंड एवरी सेकेंड ऑफ एवरी डे होल्ड्स द पोटेंशियल टू टेक चार्ज ऑफ आर ओन डेस्टिनी। ये किसके द्वारा है ये तो मुझे नहीं याद, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल कोट एंड इट सम्स अप एवरीथिंग दैट आई हैव सेड। आज हम क्या हैं वो डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, जो हम चूज़ करते हैं बनना, हम वही हैं। और हम हर दिन, हर सेकेंड, हर वक्त ये पोटेंशियल को होल्ड करता है कि हम अपने डेस्टिनी को खुद बनाएं, खुद चूज़ करें। तो चूज़ योर डेस्टिनी, चूज़ योर से एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप स्केपगोटिंग, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेंगे तो कुछ भी आपके साथ नहीं होगा, आप सब कुछ क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। लाइफ विल नॉट हैपन टू यू, यू विल क्रिएट योर लाइफ। आई होप दिस हेल्प्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक इट डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।